हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौतम और आप देख रहे हैं यूलेक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 2.1 होम थिएटर बोर्ड, ये देख रहे हैं आप, इसका A to Z वायरिंग करेंगे। इसमें हम ब्लूटूथ पैनल का कनेक्शन करेंगे और RCA सॉकेट का भी कनेक्शन इसमें करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि होम थिएटर के आगे और पीछे में जैसा कनेक्शन रहता है, सेम टू सेम मैं इसका भी कनेक्शन करूँगा। जैसा कि देख सकते हैं, ये साउंड के लिए करूँगा, बेस के लिए ये वाला वॉल्यूम यूज करूँगा। सबसे पहले हम इसमें वॉल्यूम का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आप, ये वाला मैं बैक साइड से दिखाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, मैं पास में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये बोर्ड का कनेक्शन बहुत ही कम है। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, ये वाला जो आपको 3 दिख रहा है, आपको ये वॉल्यूम का मिल जाएगा बेस के लिए। और यहाँ पर ये 3 जो प्रिंट दिख रहा है आपको, ये आपका मेन वॉल्यूम का हो जाएगा। और यहाँ पे स्पीकर का हो जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, 7805 जो कि हम कार्ड से चलाएंगे उसका है। तो चलिए, हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, तो इसमें हम 6 वायर को एक साथ यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे, जैसा कि देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन इसका कर देना है। तो ये वाला जो हमारा देख सकते हैं, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, ये हमारा बेस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सिंपली बेस का। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहले ऑरेंज वाला है, तो उस ठीक उसी तरीका से हम इसका कनेक्शन यहाँ पे करेंगे। तो ऑरेंज वाले को हम इसमें करेंगे, जैसा कि वॉल्यूम को इस तरीका से रखेंगे। तो इस तरीका से इसका कनेक्शन हम करते हैं, जैसा कि बोर्ड पर डायरेक्ट है, पहले ग्रीन है, फिर येल्लो है, फिर ऑरेंज है। तो इसी तरीका से हम इसमें इस तरीका से कनेक्शन करेंगे इसका। तो इस तरीका से बेस वाले को वॉल्यूम को सोल्डिंग कर लेना, जैसे कि देख सकते हैं, जैसा कि डायरेक्ट यहाँ पे बोर्ड पे इस तरीका से है यहाँ पे। और यहाँ पे जो बचा मेरा वॉल्यूम का, तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, जो रेड वाला है वो हमारा ग्राउंड है और बाकी ये दोनों लेफ्ट राइट है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे 6 पिन वाले हम वॉल्यूम को ले लेंगे। और वो यहाँ पे 100K का मैंने लिया है, आप 47K का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक साथ हम इसको ग्राउंड कर देते हैं। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, इस वॉल्यूम को मैंने एक साथ ग्राउंड कर लिया है। और एक साथ जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राउंड कर लिया है। और यहाँ पे ये जो देख सकते हैं, जो रेड वाला हमारा, ये ग्राउंड में जोड़ देंगे। और ये जो हमारा लेफ्ट राइट है, उसको हम वॉल्यूम के इस बीच वाले में हम सोल्डिंग कर देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ जो रेड वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसको मैंने यहाँ पे ग्राउंड में कर लिया है। और जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्राउन कलर का और ब्लैक कलर का है, वो मैंने वॉल्यूम के बीच वाले में लेफ्ट राइट कैसे कर दिया है। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये ब्राउन वाले को आगे कर सकते हैं और ब्लैक वाले को पीछे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जो पिन खाली है दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, तो जैसा कि देख सकते हैं, इस कार्ड में जो यहाँ पर ऑडियो आउटपुट का कनेक्शन होता है, तो उसका कनेक्शन हम करेंगे इसमें डायरेक्ट। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे ये एंटीना का हो गया रेड वाला, और बाकी बीच वाला हमारा ग्राउंड है और दोनों साइड वाला लेफ्ट राइट है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, कि बीच वाले को साइड कर लेना है। ये जो दोनों साइड वाला बचा हुआ है लेफ्ट राइट, उसको हम ये जो पिन खाली हुआ बचा हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं, ये वाला पिन खाली, उस दोनों में इसका सोल्डिंग कर देते हैं। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, इसका कनेक्शन मैंने कर दिया है। और जो बीच वाला वायर है दोस्तों, उसका हम कनेक्शन इस ग्राउंड वाले में कर देंगे। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, ये वॉल्यूम के साथ साथ यहाँ पे ऑडियो इनपुट का भी कनेक्शन मैंने कर दिया है। आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पिन का है लेफ्ट राइट यहाँ पे कर दिया है, जो कि इस वायर का दोनों साइड वाला होता है और बीच वाला ग्राउंड होता है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया है। तो इसको डायरेक्ट हम इसमें लगा सकते हैं। और उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, कि यहाँ पर हमें 5 वोल्ट के लिए यहाँ पर 7805 लगा हुआ है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, ये वाला जो है बीच वाला ग्राउंड है, और यहाँ वाला ये आउटपुट है, जैसा कि देख सकते हैं। और ये यहाँ पे प्लस मिल रहा है इसको, इस तरीका से अगर देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कनेक्शन करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि इसका कनेक्शन आप अच्छे से करें, ताकि हमारा उल्टा कनेक्शन ना हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको लगा लेंगे इस सॉकेट में, और उसके बाद देखेंगे कि हमारा कौन सा पिन जो है प्लस है और कौन सा माइनस है। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये ऊपर इस साइड वाला हमारा प्लस है, तो ऐसे ही देखते हुए हम ये वाला क्यों
प्लस में कनेक्शन करेंगे जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे ये प्लस का हो गया। और दोस्तों जो माइनस है उसका हम कनेक्शन यहाँ नहीं करेंगे, जो कैपेसिटर का ग्राउंड होगा उसमें हम करेंगे। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कैपेसिटर का ग्राउंड यहाँ पे है, तो यहाँ कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा हमिंग का प्रॉब्लम बहुत कम होगा। तो इस तरीक़े से इसका सप्लाई का भी यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे भी वॉल्यूम का हो चुका है। अब हम इसमें RCA सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि होम थिएटर में यहाँ तक आपको 2 पिन ऑडियो इनपुट के लिए यूज किया जाता है और 4 पिन आपको ऑडियो आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ये जो ग्राउंड है, ये 3 पिन जो आपको दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये वाला दोनों आपको बॉडी से टच ग्राउंड हो जाएगा और यहाँ पे जो ऊपर नीचे जो मेन अंदर वाला होता है ये वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीक़ा से। तो चलिए इसका हम कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों RCA सॉकेट में कुछ इस तरीक़े से कनेक्शन कर लेना है। ये 3 वायर है, मैंने यहाँ पे एक साथ दोनों को एक साथ शॉर्ट किया है और यहाँ पे एक साथ शॉर्ट किया है और यहाँ पे जो बैक वाला है उसमें भी एक साथ शॉर्ट करके यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मैंने वायर निकाल लिया और बीच वाला हमारा ग्राउंड हो जाता है और ये दोनों लेफ्ट राइट हो जाता है। ठीक से देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीक़े से इसका मैंने कनेक्शन किया है। बैक वाले को दोनों एक साथ जोड़ दिया है और ये जो पिन है दोनों को एक साथ, ये पिन को एक साथ। इस तरीक़े से मैंने 3 वायर निकाल लिया है स्पीकर के लिए, जो कि ये हमारा 4 आउटपुट हो जाएगा। और यहाँ पे 2 मैंने ऑडियो इनपुट के लिए यूज किया है, जैसे कि देख सकते हैं ये बीच वाला हमारा ग्राउंड हो जाता है, जो पीछे एक है, और जो आगे वाला दोनों हमारा लेफ्ट राइट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे ये जो 3 वायर दिख रहा है आपको डायरेक्ट, जो बीच वाला ग्राउंड है और ये लेफ्ट राइट है, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे स्पीकर वाले में कनेक्शन कर देंगे कुछ इस तरीक़े से। इस तरीक़े से इसका कनेक्शन कर लेना है स्पीकर वाले का यहाँ पे। और ये जो 3 वायर आपको दिख रहा है दोस्तों, इसको हम कनेक्शन करेंगे कार्ड का जो यहाँ पे खाली जगह आपको दिखता है यहाँ पे इनपुट का, इसमें हम कर देंगे सिंपली यहाँ पे इस तरीक़ा से, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीक़ा से तीनों पिन में हम कर देंगे, ताकि हमारा ऑडियो इनपुट जब हम इसको ऑक्स पे डालेंगे तो RCA सॉकेट में जो हमारा पिन लगा होता है मोबाइल वाला, इसे डायरेक्ट हम बजा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीक़े से इसका कनेक्शन कर देंगे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो RCA सॉकेट है उसका जो पिन है यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं इसमें मैंने कर दिया है। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ये वॉल्यूम का हो गया और यहाँ पे बेस का हो गया, और ये इसका हम कनेक्शन इसमें कर देंगे। और यहाँ पे ये इस तरीक़ा से कर लेना है। और यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर का कनेक्शन सिंपली इसमें करते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर इसमें 2 एम्पियर का यूज कर रहे हैं, 12012 इस तरीक़ा से। तो ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन होगा दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं बीच वाला वायर हमारा 0 होता है, बाकी दोनों साइड वाला 12 होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 वाले को लेंगे और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो तीन प्रिंट आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हमारा 12012 का कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ये वाला हमारा ग्राउंड है और ये दोनों साइड में हम ट्रांसफार्मर का मेन कनेक्शन करेंगे, जो कि 12012 होता है। तो ये 12 हो गया, ये 0 हो गया, और फिर से यहाँ पे 12 का कनेक्शन करते हैं। तो इस तरीक़े से यहाँ पे ट्रांसफार्मर का भी कनेक्शन हो चुका है, जैसा कि देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर का 12012 यहाँ पे इस तरीक़े से कर लेना है आपको। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपको उल्टा अगर इसमें कनेक्शन हो जाएगा तो आपका ट्रांसफार्मर हीट होगा, तो आप सही से कनेक्शन इसका करें। और दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट जो है हमारा सबवूफर का कनेक्शन करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है यहाँ पे प्रिंट आपको दिख रहा है, ये 2 पिन यहाँ पे दिख सकी देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला दोनों हमारा सबवूफर का है। तो यहाँ पे कनेक्शन इसका कर देते हैं सबवूफर का। तो एक तो ग्राउंड से हमारा ले लेंगे यहाँ पे, ये ऑलरेडी ग्राउंड है, और यहाँ पे जो पिन आपको दिख रहा है मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे इसको ग्राउंड से ले लेंगे और एक पिन हम यहाँ पे जोड़ देंगे जो कि हमारा ये सबवूफर का है। तो इस तरीक़े से सबवूफर का कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे पूरा कनेक्शन हो गया है दोस्तों। तो चलिए अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए हम इसमें सप्लाई देते हैं और यहाँ पे हम इसको कार्ड में लगा देते हैं इस जैक को। तो यहाँ पे हमारा इसमें लाइट आ चुका है और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये हो चुका है। थोड़ा हम ट्रांसफार्मर को साइड कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं आपको जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला चार हमारा स्पीकर का है, तो यहाँ पे वॉल्यूम को हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें सप्लाई दे दिया है, और यहाँ पे FM चालू है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको स्पीकर का चेक करके दिखाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये चारों स्पीकर का है। तो इस टाइप से आप स्पीकर का कनेक्शन कर सकते हैं इसमें, स्पीकर ये चारों अच्छे से चल रहा है। तो चलिए अब हम इसमें आपको सॉन्ग चालू करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसमें हम मेमोरी कार्ड लगा लेंगे, और यहाँ पे हम जैसे कि तो यहाँ पे मेरा स्पीकर है, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा अच्छा से ये स्पीकर सब काम कर रहा है दोस्तों। और यहाँ पे ये RCA सॉकेट है, जो कि यहाँ पे आप इसको मोड चेंज करके यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, अगर इसको ऑक्स पे मोड पे डालोगे तो यहाँ पे हमारा ये RCA सॉकेट वाला जो पीछे है काम करने लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने होम थिएटर का फुल वायरिंग कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं इस वाले किट को। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।